अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिमशा आवान और मेरे साथ है मोहम्मद फाइक। और जनाब हम आ गए हैं आपकी गुड मॉर्निंग को और गुड बनाने के लिए और मजीद इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है की फाइक ने जी। तो जनाब छोटी गुजर चुकी है और बड़ी जो है आने वाली है और जानवरों का जो आजकल चर्चा है कि कौन सा जानवर लिया जाए, किस तरह लिया जाए, कैसा हो, और बच्चे बूढ़े और हर एज ग्रुप के लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। मतलब हम जब बचपन में थे, हमारे घर में जब आना होता था, एक छोटा सा वो बकरा आता था और फिर हम उसे मेहंदी लगाया करते थे, उससे डिफरेंट तरह के मतलब कभी वो बांध दिए, फिर उसे क्या कहते हैं वो जो हम धागे से उन्हें बांधते थे उसकी खूबसूरती के लिए, उसको हार पहना दिया जाते हैं के लिए, बड़ा कॉम्पिटिशन होता था आपस में बच्चों का किसका जो। लेकिन इमशा इस दफ़ा थोड़ी सी ईद मुख्तलिफ है, जिस तरह ईद उल फितर थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, आपने लॉकडाउन में रहकर ईद उल फितर मनाई और बड़े अच्छे से मनाई, इसी तरह आपने सुन्नत इब्राहिमी को भी बड़े अच्छे से पूरा करना है, क्योंकि अब जैसा कि बड़ी ईद है और बड़ी ईद पर लोग जानवर खरीदने के लिए जाते हैं, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और लाहौर गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त लाहौर में 12 मराकज हैं जहाँ पर आप लोग जाकर ईद के जानवर को खरीद सकते हैं। और इन मंडियों में बहुत ही अच्छा तरीक़ेकार ये है कि इन्होंने SOPs जारी किए और ये कहा कि आपने इन SOPs पर अमल करना है ताकि आप लोग कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। और ये ईद इसलिए भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है बच्चों के लिहाज से, बच्चे थोड़े से परेशान होंगे क्योंकि अक्सर बच्चे मंडियों का रुख करते थे और मंडियों की तरफ जब जाते थे तो बड़ा एक्साइटेड होते थे, जानवरों को पकड़ते थे, हाथ लगाते थे, लेकिन इस दफ़ा आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस है तो हमें इससे बचना है। कुछ SOPs हैं मेरे पास जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने जारी किए। सबसे पहले जब आप मवेशी मंडियों में जाएं तो कोशिश करें कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, कोशिश नहीं बल्कि लाजमी मास्क का इस्तेमाल करें। और इसके बाद आप लोग जब जानवर खरीदते हैं या फिर जानवरों को हाथ लगाते हैं और उसके बाद फिर पैसों का लेन देन आपसे होता है तो आपने अपने हाथ में एक छोटी सी बोतल हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूर रखनी है और उसके बाद आप अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज़ ज़रूर करें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम फासला 6 फुट का होना चाहिए, हमें सामाजिक दूरी इख्तियार करनी है, अगर हमें कोरोना वायरस से बचना है तो ये काम ज़रूर करना है। छोटे बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने मंडियों में ज़रूर जाना है और हमने अपना जानवर लेकर घर ज़रूर आना है, तो इस दफ़ा बच्चे थोड़े से परेशान होंगे क्योंकि बच्चों को और बुज़ुर्गों को मंडियों में लेकर जाने से इज्तनाब करें, कोशिश करें कि वो आपके साथ ना जाएं। जब भी आप मंडी में जाएं तो कोशिश करें कि एक जगह आप इकट्ठे ना हों, जब 3 से 7 लोग इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर कोरोना वायरस फैलने का ज़्यादा खदशा हो सकता है, हाथ मिलाने या गले मिलने से भी इज्तनाब करें। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको बुखार या खांसी जैसी अलामत ज़ाहिर होती हैं तो मवेशी मंडी में आने से परहेज़ करें ताकि कोई दूसरा इससे मुतासिर ना हो सके। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक नंबर जारी किया है, अगर आप लोग कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं उन मंडियों के हवाले से कि वो मराकज़ कहाँ कहाँ पे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, 08000023450 08000023450 पे आप कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बढ़ती हूं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आप बढ़ेंगी? हाँ, अब अच्छा, मैं अब की बात, आपने बड़ी जानवरों की बातें सुना दी और जरा मैं भी इन्हें कुछ बताती हूँ। अच्छा जी जनाब, आज मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं फाइक, जिस तरह मैं फाइक से मिली, सबसे पहले मैंने इन्हें क्या देखा, मैंने इन्हें फिजिकली देखा कि ये कैसे हैं और मैं इससे इम्प्रेस हुई। अच्छा, आज क्या देखा था आपने जब आपने मुझसे मुलाकात की आज? वैसे मैंने जब आप सुबह आए थे ना तो मैंने आपको ये देखा था कि आज आपने शर्ट जो है ना वो ब्लैक पहनी हुई है, ये बड़ी देखे जी, तारीफ मेरी हो गई है आपकी न्यू शर्ट की। फिर मुझे मैंने कहा वाह फाइक, आज तो बड़ी आपने वाइट ब्लैक वे में। तो ये जो था एक बेसिकली मैंने आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, बिल्कुल एक हिस्सा था, मैंने आपको फिजिकली देखा और वो मैंने आपको कमेंट पास कर दिया या आपकी तारीफ कर दी। लेकिन उसके बाद फाइक, जो अब हम किसी के दिल में अगर बहुत अपना गहरा असर छोड़ना चाहते हैं या अपनी रोज़मर्रा के जो मामलात या डीलिंग्स हैं हमारी एक दूसरे के साथ, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने कभी सोचा है? अच्छा, जब हम किसी से इंट्रैक्शन करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं? क्या होती हैं वो? हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, वो हमारी गुफ्तगू होती है, और हमारी गुफ्तगू में ऐसे अच्छी का चुनाव जो कि हम करते हैं, ये देखें कितना इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर किसी की हम तारीफ कर रहे हैं बजाय इसके कहने के आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके साथ 3-4 और अल्फाज को जोड़ देना है। नहीं, मैं आपको आज 7 ऐसे जादुई अल्फाज बताऊंगी, मैजिकल वर्ड्स, जो कि मैजिकल वर्ड्स हैं और जो आपकी जिंदगी टोटली बदल कर रख देंगे। देखिए, पॉजिटिव रहना, ये भी कह सकते हैं कि हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने अल्फाज से। किसी को इम्प्रेस तो नहीं, मतलब
किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते बना सकते हैं, इम्प्रेस भी आप कह सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव तरीके से हम उसे इम्प्रेस भी कर सकते हैं और उसके दिल में ये होगा कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, मतलब कितना रिलीफ मिला इससे बात और इससे बढ़ के कोई बात नहीं कि अगर कोई आपको मिलने के बाद ये कह दे कि ये इंसान बहुत कितना अच्छा है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके अल्फाज है जो कि अगले को देखें, हमने किसी को कुछ नहीं देना होता, हमने किसी को पैसे नहीं देने, हमने किसी को खाना नहीं देना, सिर्फ हमारे ही अच्छे और हमदर्दी के अल्फाज या कोई अच्छे अल्फाज का चुनाव, अच्छी कॉन्वर्सेशन जो अगले बंदे का बूस्ट कर देती है, उसका जो मोरल है वो हाई कर देती है। इस तो अब इंतज़ार किए बगैर मैं शुरू करती हूँ कि वो कौन से अल्फाज हैं। सबसे पहले अल्फाज, लेकिन शायद सॉरी मैं आपकी फिर बात काट रहा हूँ, अगर आपका मोरल डाउन कर दिया जाए कोई काम करने से पहले तो फिर जैसे मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, ये जो बात करें उसमें मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ बट ऐसा होता है, देखें कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन हमेशा से इसका मतलब है आप बहुत पाएंगे भाई। अब देखें अभी हम लर्निंग फेज में हैं, यकीनन नाज़रीन की क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, कुछ क्यूरियोसिटी भी तो रहनी चाहिए। अच्छा जी, पहला लफ्ज मैं आपको बताऊं कि पहला लफ्ज भाई गेस करने के हो सकता है, कन्वर्सेशन आपने बताया, हाँ कन्वर्सेशन में एक पहला लफ्ज सात जादुई अल्फाज, तारीफ, पहला लफ्ज जो आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये टिम डेविट की बुक है, उसमें इसने सात मैजिकल अल्फाज मैजिकल वर्ड्स का जो है वो जिक्र किया है, उसमें सबसे पहला लफ्ज है यस। आपको कोई भी कुछ कहे आपने सबसे पहले कहना है यस। अच्छा हाँ यस, आपने उसकी बात को निगेट नहीं करना कि नहीं, आपने कहना है यस। निमशा आज आप बहुत बुरी लग रही हैं। यस अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली, इसके आगे तो आप आर्गुमेंट करेंगे नहीं मुझसे क्योंकि मैंने मान लिया जो आपने कहा है, राइट ठीक है ना, आर्गुमेंट की तो कोई वजह नहीं बनती ठीक है। आपके हस्बैंड घर आए हैं और उन्होंने आपको किसी चीज से, आपने कहा कि आप ये नहीं लाए या ये नहीं किया या इतनी लेट क्यों आए हैं, तो आप फौरन कह दें यस, दैट्स इट, बात तो आगे बढ़ेगी नहीं, कुछ लोग आगे फिर ज्यादा शुरू हो जाते हैं ना पूछना, उसे पूछगछ करना है कि यार तुम कहाँ थे, क्यों गए, कैसे आए वापस घर, फिर ठीक है उसका भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कि आपने किस तरह आगे बढ़ना है। चलिए आपने सबसे पहला जो लफ्ज है यस का करना है, आपने किसी की भी बात को निगेट नहीं करना, नो नहीं कहना, सबसे पहले यस करें, अगर आपको उसकी बात नहीं पसंद आप थोड़ी देर उसे टाइम दें और फिर उसके बाद हाँ मगर। अच्छा दूसरा लफ्ज मैंने आपको यही बताया है कि दूसरा लफ्ज जो मैजिकल वर्ड है जिसे कहा जाता है वो है बट। आप उसे कहें मैंने कहा फाइक तुम बहुत अच्छे लग रहे हो मगर अगर तुम ये टाई लगा ले तो तुम ज्यादा अच्छे लगते, मतलब मैंने आपको बात भी कर दी और उसको बात भी समझा दी है, समझा भी दिया। आप सबसे पहले उसकी बात में हाँ मिलाए, उसने ये कहा हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मगर के बाद आप अपनी बात कह दें। इसमें आपकी लड़ाई नहीं होगी, आप लड़ेंगे नहीं आपस में और आपकी कोई इख्तलाफ नहीं होगा। थर्ड जो है वो लफ्ज है बिकॉज, क्योंकि मैं अब देखें जब भी आप किसी को कोई वर्ड कोई भी बात बता रहे होते हैं ना फाइक मेरे साथ मैं आज नहीं आया क्योंकि, तो हमारा माइंड सब कॉन्शियसली बहुत मतलब अटेंटिव हो जाता है कि अब ये क्या लफ्ज क्या आगे कहने वाला है, ऐसी है ना, मतलब क्यों के बाद ये क्या लफ्ज कहेगा और वो क्यों के बाद जो कोई लॉजिक पेश करता है, मतलब मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि बारिश हो रही, रीजन बताएगा, अब रीजन हम बहुत जल्दी सुनेंगे और जो क्यों के अल्फाज है वो अपनी जो है वर्ड में अपने रीजन दें कि इस वजह से या ये वजह थी, ठीक है। फोर जो आपका सबसे अच्छा जो आपका लफ्ज जो आपको बहुत पसंद होता है ना, हर इंसान को सबसे खूबसूरत लफ्ज जो लगता है ना इस दुनिया में वो उसका नाम होता है। मुझे अब जो अपना नाम है वो बहुत प्यारा लगता है, फाइक को अपना नाम बहुत प्यारा लगता है, इसलिए अगर आपने दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसे अपनायत देनी है, तो हमेशा हमेशा उसके नाम से पुकारें, यू ये वो, ऐसे नहीं मिस्टर फाइक हाउ आर यू, या कोई भी आपके साथ है जिस तरह मेरी एक दोस्त है ईशा, मैम ईशा हाउ आर यू, इसमें उन्हें अपनायत का एहसास होगा कि ये मेरा नाम ले रही है, इससे मेरा नाम आता है। फिर आपके ऑफिसेज में आपकी क्लास है, अगर आप टीचर हैं उसमें 50 बच्चे होते हैं, आपको 50 से 50 बच्चों का नाम आना चाहिए, मिस्टर अली यू टेल, मिस्टर जो भी नाम है यू टेल,
मतलब आपको एक अपनाइत होगी, एक रिश्ता आपका बनेगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ जाकर खाना खाते हैं तो यकीनन वेटर आपके पास आता है। बिल्कुल, मेरे किसी मेरे उस्ताद मोहतरम ने बताया था कि अगर आपके पास एक वेटर आता है, एक वो आपको खाना सर्व कर रहा है, बिल्कुल आपको आप उसको कहते हैं कि वेटर इधर आए मेरी बात सुनो ये चीज़ मुझे दे दें, वो आपको खाना दे देगा। लेकिन अगर आप उस वक्त उसका नाम पूछ लेते हैं कि आपका क्या नाम है, वो आपको अपना नाम बताएगा, उसके बाद आप उसको नाम से पुकारें और वो चीज़ उससे मंगवाएं, जो पहले वो चीज़ दे रहा था उसके बाद वो जो चीज़ लाकर देगा उसमें आप फर्क देखिएगा कि उसकी मोहब्बत कितनी होगी इस चीज़ में। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि जो अपना नाम है हर इंसान उससे बहुत मोहब्बत करता है, और आप किसी को उसके नाम से पुकारेंगे तो वो बहुत अपनायत फील करेगा। लेकिन चीज़ वैसे भी आपको दे देनी है, लेकिन इससे ये होगा कि उसका दिल खुश हो जाएगा कि इसने मेरा नाम पूछा। हाँ जी, और अगला लफ्ज़ जो है इफ़ का मतलब है अगर। आप किसी की बात सुन लें और आप बताएं अगर आप ये कर लोगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप उसे बेसिकली दो ऑप्शंस दे रहे हैं, अगर ये नहीं तो ये। अगर हम इफ तब लगाते हैं जब हम उसे सजेशंस देते हैं, जब हम उसे ऑप्शन देते हैं। तो ऑप्शन देने का भी एक तरीका है कि आप जो है अगर लगाएं और जो है अपने अल्फाज को बयान करें। अच्छा, सबसे पहले अगर जब हम लगाते हैं तो हम दूसरे को बेसिकली कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, कोई उसे उम्मीद दिला रहे होते हैं कि अगर तुम ये करोगे ना तो ये हो जाएगा। तो हम अगर के बाद जो है ना वो बड़ी सुनते हैं कि ये मुझे क्या सजेशन दे रहा है, ये मुझे क्या उम्मीद दिलाएगा। तो हमारे दिल में ना एक उम्मीद जागना शुरू हो जाती है। तो आप जो है कोई ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत बहुत जो है डिप्रेस हो चुका है, जिसे कोई उम्मीद नहीं है, तो आप उसे उम्मीद दिलाएं कि अगर तुम ये करोगे ना तो ये हो जाएगा, तो वो सोचना शुरू कर देगा। उसके बाद है हेल्प। हेल्प वर्ड जो है वो भी एक मैजिकल वर्ड है। छठा लफ्ज़ जो है हेल्प है। देखिए, मैंने फाइक से कोई मदद लेनी है। अब मैंने ये कहना है कि फाइक आते हुए स्टूडियो से मेरा ग्लास ले आना। मैं इस तरह मैं उसे कॉल करके ये भी कह सकती हूँ, फाइक तुम उधर ही हो ना, आते हुए मेरा ग्लास ले आना। सिंपल सी बात थी, लेकिन मैंने इसे फ़ोन किया, मैंने कहा फाइक मुझे एक हेल्प चाहिए। अब जो है फाइक जो है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करेगा कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। मुझसे किसी ने हेल्प मांगी है मतलब वो अपने आप को कोई वैल्यूएबल चीज़ समझेगा, कोई वैल्यूएबल मतलब मैं वैल्यू रखता हूँ, चीज़ नहीं सॉरी इंसान समझेगा कि मैं जो है वो वैल्यू रखता हूँ, मुझे किसी ने इतनी वैल्यू दी है कि वो मुझसे हेल्प मांग रहा है। तो आपने जब भी किसी से कोई काम करना है आपने उसे बताना है कि उसका नाम ले, अस्सलाम वालेकुम, जो भी उनका नाम है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो कभी भी आपको इनकार नहीं करेगा, जी आप बताएं, वो एटलीस्ट आपकी बात सुनेगा। और आप फिर ये कह दें कि यार ये कर दो, या ये नोट्स ले आओ, या ये बुक ले आओ, या ये मुझे ये चाहिए। तो हेल्प का वर्ड जो है वो भी जो है एक बड़े जादुई असर रखता है। जो सातवां और आखिरी वर्ड है और जिसने दुनिया बदल दी है वो है थैंक्स, अगले का शुक्रिया अदा करना। और शुक्रिया अदा करते करते मुझे एक जो है हदीस याद आई है कि जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता ना वो रब का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो आप बंदों का शुक्रिया अदा करें। फाइक ये आपने मुझे दिया है, थैंक यू सो मच फाइक। फाइक आप बहुत अच्छी लग रही हैं, या फाइक मुझे ये कहेगा रिमशा बहुत अच्छी लग रही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फाइक आपने मेरी तारीफ की। मतलब हम जो हैं ये लफ्ज़ भूल ही गए हैं अपनी ज़िंदगी में, हम किसी का शुक्रिया नहीं अदा करते। छोटी सी छोटी बातों पर भी एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना सीखें, और इसी तरह जो है ये लफ्ज़ जो है अपनी कॉन्वर्सेशन में लाएँ, अपनी गुफ्तगू में लाएँ, अगले बंदों के दिलों पर राज करें। देखें, हमने तो इस दुनिया से चले जाना है और सब कुछ जो है वो इधर ही छोड़ जाना है, लेकिन जो हमारे अखलाक हैं वो लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। लिहाजा अच्छी गुफ्तगु ही आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाती है। और आप सब खूबसूरत हों और जो है अच्छे अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। और इसके बाद हम बढ़ते हैं जी, अगली खबर मेरे पास है जी। कोरोना वायरस आया, और कोरोना वायरस जब आया तो इसने बहुत सारे अल्फाज मुतारिफ़ करवाए, इससे बहुत सारी असलाहत हाँ जन्म ली, जैसे बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ से जो हमें कोरोना वायरस में सुनने को मिला। और जब ये वबा आई तो फिर बार बार बताया जा रहा था कि कोविड-19 आ गया, इसके बाद हमें बताया गया क्वारंटाइन आप लोगों ने करना है कुछ। बिल्कुल, इससे पहले शायद हमने कभी नहीं सुने अच्छा, थे मैंने सैनिटाइजर पहली बार सुना था कि हाँ, सैनिटाइजर इससे पहले हमें इल्म नहीं था इन चीज़ों का। तो जब ये इस्तलाहात आई तो हम बड़ा परेशान हो गए कि ये अल्फाज तो पहली दफ़ा हमने सुने। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन से अल्फाज जब कोविड-19 आया तो वो अल्फाज बोले गए, और उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोविड-19 का मतलब क्या है। सन 2019 के आखिर में चीन के शहर वुहान में एक शख्स को कोरोना वायरस हुआ,
और जब पता चला कि इसको कोरोना वायरस हुआ है तो उन्होंने उसका नाम कोविड 19 रख दिया, कोरोना वायरस। उसके बाद 19 बिकॉज 2019 था, तो इस वजह से उन्होंने साथ में 19 लगा दिया। और उसको और ये भी बताया गया कि इस वायरस में जो आपके फेफड़े हैं वो मुतासिर होते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा लॉकडाउन, बार बार कहा जाता है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। तो ऐसे इकदाम जो हुकूमत किसी भी बहरान से निमटने के लिए या किसी भी वबा से निमटने के लिए मामूलाती ज़िंदगी में रुकावट करती है, जैसे आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के काम है वो आपको रोक देती है और उसका जो काम करने का तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा पहले से मुख्तलिफ हो जाता है, जिसमें स्कूलों की बंदिश होती है, उसके अलावा ऑफिस भी बंद हो जाते हैं और फिर आपको नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा दी जाती है कि आपने बिला वजह किसी जगह पर नहीं जाना। उसके बाद हम बात करेंगे आलमी वबा, हमने इससे पहले तो सुनते रहे हैं, मतलब जो ऐसे अल्फाज हैं जो बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि आलमी वबा आलमी वबा। तो आपको बताता हूँ कि एक संगीन मर्ज की ऐसी वबा जो तेज़ी से ब्याक वक्त कई ममालिक में फैल जाए उसको आलमी वबा हम कहते हैं, कि एक ऐसा मर्ज जो कि बहुत तेज़ी से फैले, जैसे कोरोना वायरस था, पहले पता चला चीन, उसके बाद फिर मुख्तलिफ ममालिक में हमें पता चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता कि ये मर्ज बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको हम आलमी वबा कहेंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात आलमी वबा की। अब एक वर्ड जो कि बड़ा आम और बड़ा बार बार बोला जाता है कोरोना वायरस में, कि खुद साख्ता तन्हाई, जिसे हम आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना था, अगर कोई घर में कहता भी था कि आप अलग से बैठ जाएं, बड़ा अजीब सा लगता था रेबशा, कि आपने इस रूम से नहीं निकलना बाहर, चाहे आपके पास नेट भी है, तो आप बड़ा अजीब सा फील करते थे कि मैं इस रूम में कैसे दिन गुजार सकता हूँ। तो जनाब आइसोलेशन का मतलब यही है कि मर्ज से मुतासर होने वाले अफराद को अलग रखा जाता है ताकि इस मर्ज को मजीद फैलने से रोका जा सके। इसके बाद दो और अल्फाज हैं मेरे पास जो कि हमें सुनने को मिले, वरना इससे पहले तो अगर हम किसी को कहते थे कि समाजी फासला रखें तो बड़ा अजीब सा लगता था कि अपने रिश्तेदारों से दूरी अख्तियार करें, दूरी अख्तियार करोगे अपने दोस्त से तुम दूर हो जाओगे, लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो हमें बार बार बताया गया कि समाजी फासला आपने अख्तियार करना है, लोगों से दूर रहना, इस मकसद के साथ कि वबा की मुंतकली को कम किया जा सके, और लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करने से हमें मना किया गया, और इसका मकसद यही है कि ताकि कोरोना वायरस ना फैले। इसके बाद मैं आखिरी वर्ड जो आपको बताऊंगा वो ये है कि वायरस, हमने बचपन में पढ़ा वायरस की क्या डेफिनेशन है, आज मैं आपको बताता हूँ कि एक खुर्दबीनी ज़रा जो कि एक जानदार के जिंदा खुलियों में खुद को नकल कर लेता है और उसके बाद जो आपके खुलिये होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, जो आपके जिस्म में कीमी तब्दीलियाँ होती हैं या जो भी कीमी अमल होता है इसमें रुकावट पेश करता है, उसके बाद वो मर्ज पैदा हो जाता है। तो ये वायरस बड़ा एक बारीक सा और एक बड़ा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा खुर्दबीन से हम उसको देख सकते हैं, नन्ना मुन्ना है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। तो ये वो 5 से 6 अल्फाज थे जो हमें सुनने को मिले, सोचा मैं आपको बता दूं, मुझे वैसे पता थे और आपको भी पता होंगे, लेकिन मजीद आपको इसलिए बताया गया है ताकि हमें क्योंकि कोरोना वायरस आया है तो हमने ये अल्फाज को सुना है। तो ये थी मेरे पास कुछ इस्तलाहात के मायने जो कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई। तो अब जो अगली खबर रिमशा आपके पास कोई है तो बता दे, वरना हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें फिर। अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और इसके साथ ही साथ अच्छा खबरें आप फिर अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अब अगली खबरें, अगली में ये बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, आप वो हजम भी कर लेना इतनी इन्फॉर्मेशन। चलें जी, अल्फाज जो मैंने आपको बताई आपने अपनी कन्वर्सेशन में जरूर यूज करने हैं, और जनाब जो आपको फाइक ने इन्फॉर्मेशन, हाँ जी यूज जरूर करने हैं। रिमशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, लेकिन मगर थैंक यू सो मच। इसी के साथ अब हम जानिए इजाजत। और बिल्कुल देखिए, मैंने उनसे बिल्कुल यस यस कहा ना, मैंने उन्हें आपने भी ऐसे ही कहना। चलिए जी, अब हमें जानने दें इजाज़त, और अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, और इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो हम आपको आखिर में दिया करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, और हमारे जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अपना दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजारें, खुश रहें, खुश रखें, और सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।